वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। क्या आप भी अपने कमज़ोर शरीर को लेकर परेशान हो? आप भी एक एनर्जेटिक शरीर पाना चाहते हो, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है? तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको आपके कमज़ोर शरीर को लेकर इस वीडियो के अंदर पूरी अच्छी तरह से जानकारी देने वाला हूँ कि आपको क्या बातों पर ध्यान देनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किस तरह की आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, किस तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए। इसी तरह के बात को ऊपर मैं इस वीडियो को डीपली में समझाने वाला हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस शुरुआत से लेके एंड तक इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, बीच में से स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा उन लोगों को जो हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। लेकिन दोस्तों आज भी हमारे चैनल पर 70% ऑडियंस ऐसी है जो हमारे वीडियो को देखती है लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा। तो दोस्तों बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल का जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटे का आइकन दिखा रहा है उसे भी ऑल की नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हम भविष्य में कोई भी वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी वजह, ऐसा कौन से कारण होते हैं जो आपके शरीर में कमजोरी देखने को मिलती है। ऐसे मुख्य चार कारण हैं। सबसे फर्स्ट है न्यूट्रिशन, सेकेंड नींद ना पूरी होना, थर्ड मानसिक तनाव और चौथा एडिक्शन। सबसे पहले जिस टॉपिक को मैं क्लियर करने वाला हूँ न्यूट्रिशन। जैसा कि आप सभी को पता है आज हमारा शरीर न्यूट्रिशन पर ही पूरी तरह से डिपेंड करता है। हम अपने शरीर को जिस तरह का न्यूट्रिशन देंगे, अगर हम अपने शरीर को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन देंगे तो हमारा शरीर अच्छी तरह से बेनिफिट होगा। अगर हम न्यूट्रिशन पे ही ध्यान नहीं देंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने ही वाला। इसलिए आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, एक शक्तिशाली शरीर पाने के लिए अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए। और सेकेंड है नींद ना पूरी। आज हमारी डेली रूटीन इस तरह से हो गया, काम की वजह से या किसी भी कारण की वजह से आप अपने शरीर को 6 घंटे की नींद नहीं दे पाते, जिसके कारण आपके शरीर में पूरी तरह से तनाव रहता है और आपके शरीर को पूरे दिन कमजोरी का सामना करना पड़ता है। थर्ड है मानसिक तनाव, डिप्रेस हो जाना। कई लोगों को घर की चिंता की वजह से, ऑफिस की वजह से या अलग अलग तरह की चिंता की वजह से वो अपने माइंड पे इतना ज़्यादा जोर देने लगते हैं, इतने ज़्यादा वो डिप्रेस हो जाते हैं कि वो उन किसी भी तरह की बातों को समझ नहीं पाते, उनका काम में भी मन नहीं लगता या किसी भी बातों पे वो ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए आपको डिप्रेस कम रहना होगा, मानसिक तनाव छोड़ना होगा, जिससे आप अपनी कमजोरी से राहत पा सके। और चौथा है मेन, जो 90% लोग उसका सहायता लेते हैं, एडिक्शन। कई लोग का सोचना क्या होता है कि जब नींद नहीं आती है, मानसिक तनाव होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं तो उसमें वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं ये नशीले पदार्थ का सेवन करूंगा तो इन सब से मुझे मुक्ति मिलेगी। शायद मिलती भी हो लेकिन वो कुछ समय के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद आपको उसका असली फ़र्क देखने को मिल जाता है। और ऊपर से आप हष्ट पुष्ट तो दिखोगे लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा वीक होगे। इस तरह से आपको एडिक्शन का सहायता बिल्कुल नहीं लेनी होगी, एडिक्शन छोड़ना ही होगा। ये सब तो दोस्तों रही बातें आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपके शरीर में कमजोरी पैदा करती है। अब मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, अपने शरीर को कमज़ोर देखने की वजह से आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह लेते हो और कई अलग अलग तरह की दवाइयों का आप सेवन भी करने लगते हैं। लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान देना होगा, जो दवाइयां का आप सेवन कर रहे हैं वो होम्योपैथिक है या नेचुरली है, इन बात का ध्यान देना होगा। अगर होम्योपैथिक दवाई है तो याद रखिएगा होम्योपैथिक दवाई आपको जल्दी उसका असर देखने को मिलता है लेकिन वो लंबे समय तक आपको एक्टिव नहीं रख पाएगी। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप नेचुरली दवाई का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नेचुरली दवाई आपको लंबे समय में थोड़ी देर के बाद ही आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा लेकिन उसका असर असली लंबे प्रभाव तक रहेगा। और आपको ये 100% नेचुरली होते इसका, इसलिए इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है और आपको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों रही है तो आपको बात, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप सुबह उठते ही ऐसी कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आप पूरे दिन एक्टिव रह सके। आपको सुबह उठते ही सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए। कोई लोग ऐसा नहीं करते, सुबह 9 बजे 10 बजे जब भी उठते तो नहाने चले जाते, लेकिन आपको सुबह उठने से पहले ही सभी जैसे आप उठे वैसे आपको वार्म अप करना चाहिए, जैसे दंड बैठक लगाए या सीढ़ियों से ऊपर चढ़े नीचे चढ़े या आपको थोड़ा बहुत चलना ज़रूरी है, जिससे आपके मानसिक में, जैसे आपका माइंड में से हार्मोन रिलीज होते हैं तो आप पूरे दिन एक्टिव रह पाते हो। अब दोस्तों ये तो रही बातें आपको कौन सी बातें कमज़ोर करती है या सुबह उठ के आपको कौन सी बातें करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब मैंने आपको बताई, वार्म अप किस तरह से आपको करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊँगा ऐसी आपको कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, कौन सी आपकी ऐसी बातें जो डाइट में आप ऐड करके अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हो और अपने एक एनर्जेटिक शरीर को पा सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको रोज़ 4 तुलसी के पत्तों का सेवन करना होगा। सुबह उठते ही 4 तुलसी के पत्ते आप तोड़ लीजिए ताजे और उसका आप सेवन कर लीजिए बासे मुंह दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन ए के फ्रूट का आपको सेवन करना चाहिए, जैसे केला हुआ, संतरा हुआ, पपीता हुआ, सेब हुआ, इसका आप सलाद बना के इनके ऊपर शहद डाल लीजिए और इसका आप सेवन सुबह या शाम कीजिए तो आपको इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा और एक एनर्जेटिक शरीर आप अपने आप फील करने लगोगे, आपको खुद ही अलग तरह से महसूस होने लगा। अंडे, चने, दाल, मूंग आदि का आप
सेवन कीजिए, अपने डाइट में ऐड ज़रूर कीजिए, आपको फ़र्क देखने को ही अपने आप मिलेगा मात्र एक सप्ताह के अंदर अंदर। अब चौथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शिलाजीत का पाउडर। आपको रात को सोने से पहले एक गुनगुने ग्लास के दूध के अंदर आपको एक चम्मच पाउडर शिलाजीत का लेना होगा और इसे आप डेली एक मंथ तक फॉलो कीजिए, आपको 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए और ये शिलाजीत का पाउडर आप फॉलो कीजिए, आपको 100% ध्यान देने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको ऐसी खास बात बताने वाला हूँ, अगर आपने इस बात को ध्यान से फॉलो कर लिया तो 100% आपकी कमज़ोरी दूर होगी होगी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में वीकनेस होती है उसे माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप जैसा सोचोगे हमारा माइंड उस पर ही काम करता है। अगर आप सोचोगे कि मैं कमज़ोर हूँ तो आपका शरीर कमज़ोर ही आपको एक्टिव नहीं होने देगा, अगर आप सोचोगे मैं एक्टिव हूँ तो आपका शरीर आपको पूरे दिन एक्टिव रखेगा, आपका माइंड उस तरह के हार्मोन रिलीज़ करेगा। जैसे अगर आप बार बार सोचते हो कि मैं कमज़ोर हूँ तो हमारा माइंड में से मेलेटिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो एक वीक हार्मोन है, तो आपको पूरे दिन वीकनेस महसूस होती है। और अगर आप पूरे दिन यही सोचोगे कि मेरा शरीर पॉजिटिव, मेरा एनर्जी से भरा हुआ, तो आपके अंदर से एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज होगा, जो एक एक्टिव हार्मोन है, आपको पूरे दिन वो बॉडी में आपके एक्टिव रहेगा और जिसके कारण से आप कमज़ोरी से दूर होके एक इम्यूनिटी बूस्टर पाके अपने एक शक्तिशाली शरीर को आप पा सकते हो। दोस्तों ये सब तो दोस्तों मैंने आपको बातें बताई कैसे आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो, कैसे आप कमज़ोर शरीर से मुक्ति पाके एक अच्छा खासा शरीर का आप निर्माण कर सकते हो। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अपने इस भाई को सपोर्ट करने के लिए जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे किसी के तरह का इसमें चार्ज नहीं लगता है। और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।